नमस्कार, मैं हूं ईशानी प्रियम और आप देख रहे हैं LifeCities.in। तो चलिए नजर डालते हैं आज दिन भर की बड़ी खबरों पर। मुजफ्फरपुर हत्याकांड को लेकर हाई लेवल मीटिंग, पुलिस हेडक्वार्टर और गृह विभाग ने की बैठक। मुजफ्फरपुर के पूर्व मेयर हत्याकांड पर मांगी रिपोर्ट। बिहार में अपराध की बढ़ती घटनाओं पर भी चर्चा। पूर्व मेयर समीर कुमार हत्याकांड मामला, मुजफ्फरपुर पुलिस को मिला CCTV फुटेज। बाइक सवार दो अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम। CCTV के माध्यम से अपराधियों की हो रही पहचान। बिगड़ती विधि व्यवस्था पर तेजस्वी यादव का हमला, बोले चाचा जी ने कर दिया बिहार का बेड़ा गर्क। बिहार में हो गया AK-47 आम हथियार। डबल इंजन सरकार में 300 गुना बढ़ा क्राइम। मुजफ्फरपुर हत्याकांड पर बोले अश्विनी चौबे, जंगल राज वालों को बोलने का कोई हक नहीं, सरकार और पुलिस कर रही कार्रवाई, प्रशासन की कमजोरी को नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। PMCH में फिर हड़ताल पर गए जूनियर डॉक्टर्स। चाइल्ड वार्ड में मरीज के परिजनों ने की थी मारपीट। डॉक्टरों ने की दोषी लोगों पर कार्रवाई की मांग। हड़ताल की वजह से मरीजों को हो रही परेशानी। लालू यादव का मोदी सरकार पर फिर ट्विटर अटैक। राफेल डील पर बिना किसी का नाम लिए बोले जहजवा ही चुरा कर खाने लग गए हैं गजबेबा। 3 दिन पहले भी लालू यादव ने फोड़ा था ट्विटर बम। उपेंद्र कुशवाहा ने साधा CM नीतीश पर निशाना। जीरो टॉलरेंस वाले दावों पर उठाया सवाल। मुजफ्फरपुर में पूर्व मेयर हत्याकांड पर बोले हे भगवान, ये क्या हो रहा है बिहार में। सवर्णों पर लाठीचार्ज मामले में उठा सवाल। CM पर भड़के BJP MLC सच्चिदानंद राय, बोले सिर्फ सवर्णों पर ही क्यों चली लाठियां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देना चाहिए जवाब। बिहार में पॉलीथीन बैन मामले पर सुनवाई। हाई कोर्ट ने प्रधान सचिव को किया तलब, पूछा कब तक कर दिया जाएगा कानून लागू। 1 अक्टूबर को फिर होगी इस पर सुनवाई। पटना दीघा के लिए बस सेवा हुई शुरू। पहले चरण में चलाई जाएंगी 3 बसें। 666 दिया गया बस रूट का नाम। मंत्री संतोष निराला ने दिखाई हरी झंडी। तो ये थी आज दिन भर की बड़ी सुर्खियां। आप बने रहें LifeCities.in के साथ। नमस्कार।